आज कुछ नया, कुछ नया मतलब वही पुराना था, क्योंकि पुराना फिर नया, नया मतलब कुछ नया एक्सेप्ट जो पड़ा हुआ है बराबर, नया मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक हमारे वैसे तो पूरे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्पोर्टेंट है, बट क्लास 10 के हिसाब से जाए सिर्फ दो ही है, एक है दारू और दूसरा विस्की। यस, एक बच्चा एक एसिड और दूसरा अल्कोहल, याद रख मेरा बच्चा यही दो क्लास 10 के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक दो ही दे दो थोड़ा दो चार दे दी थी, लेकिन टेक्सटिंग बुक वाले को बस दो ही, क्योंकि टेंथ में बच्चे को पता चल जाना चाहिए अल्कोहल किसको कहते हैं ताकि लेवल से पी सके, और इथेनॉल एसिड इसलिए कि भाई मंचूरियन के साथ जो अपने को चाहिए थोड़ा देखते हैं, जब इथेनॉल लोगे बेटा चखना कुछ चाहिए चखना के लिए प्लीज़। बेटा ये जो अपना दारू है, ये दारू में अपने को बस तीन चीज करना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसके केमिकल यूनिट्स, सेम थिंग अपने को तुम्हारे पास अगर ये क्लास 10 साइंस का टेक्स्ट बुक हो तो याद रख लेना, इस टेक्स्ट बुक में ये जो टेक्स्ट बुक है दिख रहा है बच्चा, ये टेक्स्ट बुक में तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 का जो पहला पेज होगा उस पहले पेज पे ही अपने को दे दिया है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, ये देख ले बच्चा हमारे पुराने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 है, नए में भी शायद वही होगा क्योंकि चैप्टर 5 का था, तो इसमें ये जो टेबल 4.1 है देख लो, अगर ना दिखे तो मैं क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज, दिख रहा होगा तुम लोगों को, बोलोगे सर लिख दो ना बोर्ड पे हो ज्यादा बेटर होगा, हाँ बच्चा देखिए इसका पहले बता देता हूँ, ये कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम में अल्कोहल कहा जाता है, अल्कोहल, और इसको कॉमन नेम में एसिडिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये दो हम लोगों को याद रखना बहुत ही कम होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना देख लेना, इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, मतलब समझ लो बेटा 273 प्लस 273 माइनस करेगा तो कितना होगा 17 डिग्री सेल्सियस पे इथेनोइक एसिड मेल्ट हो जाएगा, और बॉइलिंग की 390 देख 391 है, और आज अल्कोहल को जो हम लोग थोड़ा दारू की बात करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट करें तो 351, ये दोनों अपने को याद रखते हैं, और ये तुम्हारे जैसे मैंने बताया तुम्हारे पेज नंबर में 59 पेज नंबर में चले जाना क्लास 10 टेक्स्ट बुक में, उसमें ये दो वर्ड जो है MCQ में आएंगे, MCQ मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग, इसका यूजेज मैं बोल देता हूँ, गाड़ी को पॉल्यूशन फ्री करना, तुम्हारे जहाँ पे मोबिल डाला है जो ऑयल बोल हम लोग बोलते हैं कैस्ट्रॉल ऑयल, वो कैस्ट्रॉल ऑयल में जो हम लोग जिस पार्ट में डालते हैं उसको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए इथेनॉल डालते हैं, ज़्यादा इथेनॉल इज यूज इन पॉल्यूशन फ्री फॉर पेट्रोल्स, बाकी शहरों में गैसोलीन में यूज किया जाता है पेट्रोल को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, याद रखें बाकी हमारे यहाँ पता ही है को दारू का एक यूज है ना सैनिटाइजर के रूप में, बाकी तो हम लोग कुछ करते हैं याद रखें ना, इथेनॉल का यूज जो है वहाँ पर होता है, इथेनोइक एसिड में 5% इथेनोइक एसिड विनेगर के पे यूज होता है, यूजेज हम लोगों को कोई ज़्यादा नहीं, याद रख लेना ये MCQ में पूछा जाएगा, इसीलिए एक मार्क्स पक्का तैयार इसमें से आपको, खाली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद, इसके जो मेन होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी जैसे इथेनॉल है C2H5, इसको जब तू HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो C2H5Cl प्लस H2O बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl, ये भी रिएक्शन होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन जो इंपॉर्टेंट है याद रखेगा C2H5OH इथेनॉल, इसको जब तुम इसी एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे CH3CO इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दोनों का ये सेम कॉमन रिएक्शन है तो C2H5C डबल बॉन्ड OOCl
इसको बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्टर। और इसी रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यही ईस्टर जो है परफ्यूम्स में, डिओड्रेंट्स में यूज किया जाता है। तो ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आया बच्चा इथानोइक एसिड का। अगर हम इथानोइक एसिड को CH3COH अगर हम अल्कली के साथ रिएक्शन करें, NaOH के साथ रिएक्शन, तो CH3COONa बनता है। क्या बनता है? CH3COONa प्लस H2O का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड, CH3COONa। ये सॉल्ट है बच्चा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यही सोडियम सॉल्ट जब लॉन्ग चेन ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एसिड, बोलोगे सर लॉन्ग चेन मतलब स्टीरिक एसिड, जैसे 17 कार्बन C17H35COOH, इसको कहा जाता है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। और इसी स्टीरिक एसिड को जब तुम अल्कली के साथ रिएक्शन करोगे तो सोडियम स्टीरेट बनेगा, सोडियम स्टीरेट, याद रख लेना। इसी को कॉमन लैंग्वेज में सोप कहा जाता है, साबुन, याद रखते हैं, यही है तुम्हारा साबुन। और इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से जन्म होता है इथानोइक एसिड से ही। जब हम किसी भी इथानोइक एसिड को, इथानोइक एसिड यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलता है। ये जो सोडियम सॉल्ट है, इसी सॉल्ट के वजह से चाहे वो नहाने वाला साबुन हो, कपड़ा धोने वाला साबुन हो, डिटर्जेंट हो, टिकिया हो, इसका निर्माण हो। अगर ये ना हो, मतलब ये जो C17H35COOH है तो स्टीरिक एसिड का है। और साबुन का कॉमन नेम, मतलब मार्केट में जो नाम है वो नहीं, साबुन नहीं, केमिकल नेम, कॉमन केमिकल नेम, उसको सोडियम स्टीरेट कहा जाता है। और इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मतलब इथानोइक एसिड से ही ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का जन्म हुआ। इसमें दो तीन क्वेश्चन होंगे सैपोनिफिकेशन में, एक तुम्हारा होगा मिथेन का फॉर्मेशन कैसा। तो सबसे पहले ये C17H35COONa को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कैसे ड्रॉ किया होगा पता है तुमको? देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 COONa। अब ये कैटायन हो गया, इस एंड को याद रखेगा, एक आयोनिक एंड होता है, आयोनिक एंड, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड। और ये जो कार्बोजेनिक एसिड है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजेनिक, ये हाइड्रोजन को रिटेल करता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, याद रखिएगा, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब पानी से डरता है, ये पानी को हेट करता है, पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक, पानी को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक, याद रखिएगा, इस दो वर्ड को पूछा जाएगा, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना, फोबिक रिटेन। ये पूरा साबुन सॉल्ट है सोडियम स्टीरेट, ये सोडियम स्टीरेट में C17H35COONa में ये जो आयोनिक एंड होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। और जब तुम्हारे जैसे मान लो कपड़े में किसी चीज का दाग लग गया, ये स्टम, ये दाग है तुम्हारा पनीर का दाग, तो मान लो पनीर खाते समय व्हाइट शर्ट पे तुम्हारा एक ड्रॉप ग्रेवी गिर गया, अब वो ग्रेवी जो गिर गया तो पूरा पीला पीला हो गया। तुझे पता है कि ये सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, उसको जब तुम रब करोगे तो देखना तुम्हारा पीला जो है ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज में कन्वर्ट होने लगता है। अब अपने को उसको पूरा कंप्लीटली बाहर निकालना। तो अब जैसे ही तुम कोई तेल है, ऑयली पार्ट है, ऑयल पार्ट है यहाँ पे, तो उस पर पानी डालोगे तो पानी को अट्रैक्ट नहीं करता। तुम देख लेना कहीं पे भी, हाथ पे भी, अगर तुम मान लो हाथ से खाना खाए हो और बहुत ही ज़्यादा तेल था सब्जी में, अब तुम पानी डालो तो पानी फिसल जाता है। ये जो फिसलता है इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं, पानी दूर भागता है।
अब हम लोग क्या करते हैं जब हमारे हाथ में तेल लगा होता है तो हम हैंड वॉश लेकर के हैंड वॉश लेते हैं, उसके बाद पानी लेते हैं, तो अब देखना तेल पूरा हाथ से बाहर निकल गया। मतलब वही सेम रिएक्शन, कपड़े में वो तेल लगा हुआ है, वो ऑयली पार्ट लगा हुआ है, पानी डालेंगे तो वो तेल पानी को बाहर बगाएगा। अब हम उसको साबुन से जैसे ही पानी डालने के बाद ऐसे रब किया, तो जैसे ही तुम रब करोगे वो तेल हाइड्रोफिलिक एंड के साथ बाहर हो जाएगा, पानी इसके अंदर में घुसेगा, अब जो तुम्हारा पूरा स्ट्रेन है वो बाहर हो जाता है। ये जो पूरा मैकेनिज्म बता रहा है इसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सोप फॉर्मेशन, किस तरह से साबुन काम करता है, मिसल्स स्कम ये कैसे काम करते हैं। किसी भी दाग पर तेल कभी भी पानी को अट्रैक्ट नहीं करते, यही रीजन है देखना तेरी मम्मी सब चीज़ें बनाती होगी तो कड़ाही में तेल रहता है, फिर वो सारा तेल वो सब्जी जो है एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद लास्ट में वो ग्रेवी डालती है तो जाकर, फिर भी अगर ज़्यादा तेल है तो देखना पूरा ग्रेवी में एकदम ऑयली ऑयली ऑयली, वो बहुत ही ज़्यादा तेल, ज़्यादा तेल खाना पेट के लिए हानिकारक है। अच्छा देख रहे हो मेरा तोंद निकल गया, पहले बहुत ज़्यादा ऑयल खाता था, अब रेड्यूस कर दियो, तुम लोग भी कम खाना बेटा, क्योंकि तुमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है एक रिएक्शन कौन सा था पता है तुमको, नहीं पता हो मैं बता देता हूँ, रेंसिडिटी एक्सेस ऑफ ऑयल एंड फैट्स डिस्ट्रॉय द फूड, इट गिव्स अ वेरी बैड स्मेल जस्ट लाइक अ सॉर इन टेस्ट and that is bad thing very and it gives you acidity inside your stomach. इसीलिए ना कम तेल खा, अंदर रख स्लिम बॉडी, बम बम बॉडी रहते हो, डोंट मेक जेठालाल बॉडी, बराबर। अब आ जाओ बच्चा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, ये सारा रिएक्शन करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर पूरे एक्सरसाइज में सबसे पहले याद रखेगा जितना भी रिएक्शन है, जो इंटेक्स के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स है पिछले साल के बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन है, उसको ट्राई टू सॉल्व इट, जो ना बने कमेंट बॉक्स में डाल देना सर प्लीज़, इन सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बना दो तुम्हारे लिए बना दो, पढ़ने वाला है। मैं कभी वैसे बच्चों का दिल नहीं तोड़ता जो कमेंट करके बताते हैं कि सर ये वाला वीडियो बनाओ और मैं ना बनाया हूँ, तो देख लेना आज का रेकॉर्ड मेरे किसी भी वीडियो सेक्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, बच्चों ने अगर डिमांड किया है तो उसके डिमांड को पूरा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसीलिए उनके चॉइस को मैं अपना चॉइस मानता हूँ। तो अगर तू पढ़ने वाला है तो बच्चा पढ़ डी इंटेक्स एक्सरसाइज पुराने साल के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को सॉल्व कर ले, कुछ भी डाउट हो फ्री ऑफ कॉस्ट में कमेंट कर, फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो देख, फ्री ऑफ कॉस्ट में घर जा, बाय बाय सो जा, गुड नाइट छपा।